नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी की कक्षाओं में हमने आ की मात्रा के कुछ शब्द सीखे थे। आज हम एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज आ की मात्रा का एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। देखिए, चित्र देखकर आ की मात्रा वाले शब्द लिखें। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं, उनको शब्द लिखने हैं और ध्यान दीजिएगा उनमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ होगा। तो देखिए, हमारा पहला चित्र है, बताइए क्या है ये? आशा है आपने इसे पहचान लिया होगा। ये है ताला। ता, जैसा कि मैं बोल रही हूँ ता, तो त में मेरा बड़ा मुंह खुल रहा है, इट मीन्स इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है, क्योंकि अकेला तो ये होता है तू, पर हम बोल रहे हैं ता। त त के साथ आ की मात्रा तो बन गया ता। ला, ल, ल के साथ आ की मात्रा बन गया ला। ता, ला, ताला। अगला चित्र देखिए बच्चों। अगला चित्र है, बताइए किसका चित्र है? माला। माँ, माँ के लिए पहले शब्द लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे म। म, म को पहले माँ बनाना है, जिसके लिए हमें इसमें आ की मात्रा जोड़नी पड़ेगी। अब ये बन गया माँ। माँ, ला, माला। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र बताइए किसका है? ये है बा, जा। पहले हम लिखेंगे ब। अब ब को हमें बा बनाना है, जिसके लिए हमें इसमें आ की मात्रा जोड़नी पड़ेगी। ब, ब के साथ आ की मात्रा बन गया बा। बा, जा। जा लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे ज। ज के साथ आ की मात्रा जोड़ने से यह बन गया जा, बा, जा। अगला चित्र देखिए बच्चों। अगला चित्र है छाता। छाता। छ, छ के साथ जब आ की मात्रा जोड़ दी तो यह बन गया छा। त, त के साथ आ की मात्रा जोड़ दे तो बन गया ता। छा, ता, छाता। अगला चित्र देखते हैं। हमारा अगला चित्र बताइए किसका है? ये है आम। आ, आ, मू, आम। अगला चित्र देखिए, किसका चित्र है ये? ये है नाव, जो पानी में तैरती है। पहले हम लिखेंगे न, अब हमें इसे बनाना है ना। ना बनाने के लिए हम इसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे तो अब बन गया ना। ना, व, नाव। नाव जो पानी में तैरती है। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र है, बताइए ये क्या है? ये है नाक। न, न के साथ आ की मात्रा बन गया ना। क, नाक। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र है आठ। हिंदी में एट को कहते हैं आ, ठ, ठ से ठठेरा, आठ। बताइए ये क्या है? ये है घास। इसके लिए हमें लिखना है पहले घ व्यंजन। घ, घ के साथ जब हम आ की मात्रा जोड़ देंगे तो वह बन गया घा। घा, स, घास। देखिए ये है घास। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र बताइए किसका है बच्चों? ये है जाल। ज, ज के साथ जब आ की मात्रा लगा दी तो वह बन गया जा, ल, जा, ल, जाल, जाल। अब देखते हैं नेक्स्ट चित्र। ये है जी, ये सर्दियों में आती है, ये एक सब्जी है। बताइए, आपने सही पहचाना, ये है गाजर। इस
इसके लिए हम पहले लिखेंगे ग व्यंजन। ग को हमें गा बनाने के लिए आ की मात्रा जोड़नी पड़ेगी। अब यह बन गया गा ज र, गा ज र, गाजर। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको यह चित्र अपनी कॉपी में बनाने हैं। इसी तरीके से वो पहले डेट डालनी है, मार्जिन पेज जो स्पेस दिया गया है इस पे डेट डालनी है आपको। ऐसे ही हेडिंग लिखने के बाद आप चित्र बनाने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, और उसके बाद आपको चित्र पहचान कर उनके सही नाम लिखने हैं, सही शब्द लिखना है। तो ये था आपका हिंदी का होमवर्क। इसे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करें। हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।